ठीक है, तो वापस आ जाता हूं उस पॉइंट के ऊपर, मानचित्र वाले पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं ऐसा देख रहा हूं, बहुत करीब से देख रहा हूं, तो मुझे बस वो नजर आ रहा है, ईंट पत्थर सीमेंट दीवार नजर आ रही है, थोड़ा और पीछे आ गया तो अब कमरा नजर आ रहा है, तो मुझे बड़ी पिक्चर नजर आ रही है। अब बड़ी पिक्चर जब नजर आती है तो मैं इस पूरे कमरे को जब देखता हूं तो मुझे ना वो सिर्फ ईंट नजर नहीं आ रही है, अब मुझे बहुत सारी ईंटें, बहुत सारे पत्थर, उसके ऊपर पूरा पेंट, दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, छत, पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, बहुत कुछ नजर आ रहा है। अब मेरी सोच बढ़ चुकी है, मेरी सोच का दायरा बढ़ चुका है, मेरा परसेप्शन बढ़ चुका है, मेरा नजरिया एक्सपैंड हो चुका है। अब बहुत सारी चीजें मेरी अवेयरनेस में आ गई हैं। पहले वो एक ईंट का टुकड़ा, वो पत्थर, बस इतना छोटा सा क्षेत्र मेरी अवेयरनेस में था। अब बहुत सारी और चीजें मेरी अवेयरनेस में आ गई हैं, तो मेरी अवेयरनेस अब बढ़ गई है। इसी प्रकार से अब मैं पूरे घर को देखता हूं, पूरे घर को अनुभव में लेता हूं। इसी प्रकार से मैं अब पूरा इलाका, पूरा नुक्कड़, पूरा वार्ड नंबर 46 देखता हूं और देखता हूं कौन कौन यहां पर रह रहे हैं, कैसे कैसे यहां पर नाले हैं, कैसे कैसे यहां पर सड़कें हैं, कैसे कैसे यहां पर बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, दुकान है, किस जात के लोग रहते हैं, किस किस मान्यता के लोग रहते हैं, किस प्रकार की दिनचर्या के लोग रहते हैं, कितने शराबी हैं, कितने गंजेड़ी हैं, कितने लोग मंदिर जाते हैं, कितने लोग गुलामी के अंदर रोज उसी चक्कर के अंदर काटे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कितनी नाई की दुकानें हैं, कितनी हलवाई की दुकानें हैं, कितनी कचौरी की दुकानें हैं, कितने ई मित्र की दुकानें हैं। तो ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें मेरे अवेयरनेस में आती रहती हैं। तो अगर एक आदमी 30 साल तक एक ही शहर में रहता है, एक ही ऑफिस में काम करता है, एक ही परिवार वालों के साथ उठता बैठता है, एक ही लेफ्ट, एक ही राइट, फिर एक ही ब्रिज से बार बार उतरता चढ़ता है, बार बार उतरता चढ़ता है, तो वो उसी चीज को बार बार अनुभव किए जा रहा है 30 साल तक। उसके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स फायर नहीं हो रहे हैं, उसकी चेतना में, उसके अवेयरनेस में नए नए एक्सपीरियंसेस आ नहीं रहे, तो वो नैरो माइंडेडनेस का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग खुलता नहीं है। तो जब दिमाग खुलता है तब अवेयरनेस एक्सपेंड होती है और सब कुंडली शक्ति तभी चढ़ती है और चक्र तभी खुलते हैं। चक्र खुलने का मतलब क्या है? चक्र खुलने का मतलब यह है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो चुकी है, आपकी चेतना में विस्तार आ चुका है, आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड हो चुकी है, आप बहुत बड़ी पिक्चर को देख सकते हो। जो आदमी तीसरे नेत्र के लेवल पर होता है तभी तो वो चीजें देख पाता जो कि सामान्य नागरिक नहीं देख पा रहा है, वैक्सीन के क्षेत्र में या फिर कोरोना के क्षेत्र में या किसी भी चीज के क्षेत्र में, एफडीआई के क्षेत्र में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, डिमोनेटाइजेशन के क्षेत्र में ले लो, हर वो चीज जो कि एक सामान्य नागरिक नहीं देख पा रहा है, एक विकसित चेतना का पुरुष देख सकता है, पुरुष या स्त्री। तो जब आप मानचित्र को देखते हैं, अभी कल परसों की बात है, सुबह सुबह 8-9 बजे मेरी और मेरी सिस्टर के बीच में झगड़ा हो गया, जो कि होता रहता है आमतौर पर किसी ना किसी बात पर, और बहुत ही छोटी सी बात थी, कुछ वो आटे से संबंधित बात थी। क्यों? क्योंकि वो आटा, वो दाल रोटी सब्जी, जो कि जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी चीज ने उनकी चेतना को बहुत ज्यादा घेरा हुआ है, उनका अटेंशन को बहुत ज्यादा घेरा हुआ है, जिसकी वजह से वो चीज उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब आप एक मानचित्र को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार जो मैं सोचा था कि बहुत बड़ी चीज है ये आटा, ये सब्जी, इसमें कुछ झोल कर दिया मेरी मां ने, तो उसको मैं जाके झगड़ूं और फिर वो उसको डिफेंड करे, फिर पुरानी बात आके वो उसको कुछ एलिगेशन लगाए, फिर वो डिफेंड कर झगड़ा आगे बढ़े, तो छोटी चीजों को इतनी बड़ी चीज बना लेना, वही तो झगड़ा होता है। झगड़ा और होता ही क्या है भाई, तूने मेरे 500 रुपए दिए नहीं यार, छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेना एक झगड़ा होता है, और वो बहुत बड़ी बात आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके जीवन का आधार है। साले इसने 500 रुपए नहीं दिए यार, 500 रुपए नहीं दिए इसने को, उस बात को आप लेकर बैठे। तो जब आप मानचित्र को देखते तो आपको लगता है जिस शहर के अंदर मैं रहता हूं उसके अंदर भी, उसके अगर मैं 5 लाख टुकड़े करूं तो एक जमीन का टुकड़ा निकल कर आएगा, वहां पर मैं रहता हूं और यहां पर ही मेरी पड़ोसन रहती है, इससे मैं झगड़ा कर रहा हूं, ये तो कितनी सूक्ष्म चीज है, दुनिया कितनी बड़ी है। साला ये जो अजमेर है ना, मैं आपको अजमेर का मैप दिखाऊंगा,
अजमेर के मैप में जो अजमेर शहर है वो सिर्फ दसवां हिस्सा है। अजमेर का जिला इतना बड़ा है उसमें पता नहीं मसूदा आ रहा है कभी, ब्यावर भी पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, नसीराबाद आ रहा है। तो बहुत अजमेर जितना शहर है ना उसका 10 गुना बड़ा अजमेर है। अजमेर शहर जितना बड़ा है उसका 10 गुना बड़ा अजमेर जिला है पूरा। तो जैसे ही आप देखते कि अजमेर अपने आप में इतना बड़ा जिला है, जयपुर तो इतना बड़ा जिला है, सारा राजस्थान इतना बड़ा है, और भारत में ऐसे क्या क्या है यार, है ना। आप देखते हो कि एक एक जगह छोटी छोटी हर चीज के आगे कोई ये नगर है, कहीं वो नगर है, कहीं ये गढ़ है, कहीं वो गढ़ है, कहीं ये लखनऊ है, कहीं कानपुर है, पता नहीं अलग अलग जगह है, अलग अलग नाम है। अभी रत्नागिरी में आपको दिखा रहा था, रत्नागिरी मुंबई से रत्नागिरी जाएंगे आगे पंजी पड़ेगा, फिर बीच में चिपलून वगैरह पड़ेगा। तो ऐसे जो जगह हैं जिनके सिर्फ नाम मात्र हमने सुने हैं, वो जगह अपने आप में बहुत सारे संसारों को समेटे हुए है। हर एक जगह अजमेर अपने आप में कितने सारे संसारों को समेटे हुए है, उसी प्रकार से चिपलून अपने आप में कितने सारे संसारों को समेटे हुए होगा, मसूदा अपने आप में कितने सारे संसारों को समेटे हुए होगा। आपको आ रही बात समझ में? बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स है भाई। एक शहर में जितने लोग रहते हैं उतने सारे पैरेलल यूनिवर्स होंगे उस शहर के अंदर। अरे पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है दुनिया, हर आदमी की अपनी दुनिया होती कि नहीं होती है? हर आदमी की अपनी अपनी दुनिया है। तो उस शहर में जितने लोग रहते हैं उस शहर में उतनी दुनियाएं हैं। अब इस बात को समझिए कि एक आदमी की एक दुनिया भी नहीं होती है, एक आदमी भी एक टाइम पर बहुत सी दुनियाओं में रहता है। जैसे कि घर उसकी एक दुनिया है, उसका व्यवसाय उसकी एक दुनिया है, उसकी यादें उसकी एक अलग दुनिया है, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसके विजन, उसकी डिजायर्स, ये सब मिलाकर एक ख्याली दुनिया है उसकी। तो एक शहर के अंदर कितनी सारी दुनियाएं हैं। तो जब आप बहुत सारे शहरों को एक साथ एक मानचित्र पर अपने सामने देखते हो तो आपको लगता है कितनी सारी दुनियाएं आप एक साथ देख रहे हो। आप सबको तो देख नहीं पाओगे, मतलब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो मैं देख रहा हूं बहुत ही डेंसिटी है इसके अंदर, बहुत गहराई है इसके अंदर। उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। आपको मेरी बात आई समझ में? ये तो बहुत ही सीमित शब्दों में मैंने समझाया। जितना आप मैप को देखते रहेंगे उतने आपको उसके अंदर गहराई समझ में आती चली जाएंगी। हर एक शहर में कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई क्रांतिकारी हुआ है कभी ना कभी, साहित्य के क्षेत्र में या नाट्य के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या इतिहास के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई हुआ है। फिर उसका आंदोलन है, उसकी जीवनी है, उससे जुड़े हुए लोगों का पूरा मूवमेंट है, पूरी क्रांति है। एक ही मैप में आपको चोरा चोरी भी नजर आ रहा है, उसी मैप में आपको रावलपिंडी भी नजर आ रहा है, वहां पर लाहौर भी नजर आ रहा है, कानपुर भी नजर आ रहा है और चंपारण भी नजर आ रहा है। तो एक ही मैप में आपको क्या क्या नजर आता है, एक बहुत ही खतरनाक फिल्म होती है। एक इस प्रकार की फिल्म आपके दिमाग में बनती है जिसका चित्रण नहीं किया जा सकता टीवी के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो। ये यात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि आप उस यात्रा को चलने के लिए तैयार है कि नहीं, उत्साहित है कि नहीं। जितना आप उत्साहित होंगे, जितना एक्साइटमेंट से आप उस चित्र को देखते रहेंगे, मानचित्र को देखते रहेंगे, उतना मानचित्र आपको वो दिखाता रहेगा। ये बात समझ में? इसीलिए जो 25 साल का युवा है, 30 साल का युवा है और उसके बाद 30 के बाद वालों से तो कंप्लीटली उम्मीद छोड़ दो। तो 25 प्लस के 20 प्लस के जो युवा हैं, खासकर अजमेर जैसे गुलाम शहर के, उनसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है कि वो चित्र को, मानचित्र को इतने अवेयरनेस से देखेंगे और उस चित्र को अलाउ करेंगे कि वो मानचित्र उनके चक्र खोले। ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो अपने छोटे से चक्र में बहुत तेजी स्पीड से घूम रहे हैं। वो लोग, ये सारे लोग, इन्होंने अपनी दुनिया बना रखी है छोटी सी, उसी चक्र के अंदर घूम रहे हैं, उस चक्र से बाहर नहीं आना चाहते। इसीलिए ये मानचित्र दिखवाने का जो बेनिफिट है ये तो बच्चों को है,
या आपके जैसे सुपीरियर्स को है ना?